अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि इस टाइम जो है कराची के अंदर बारिशों का मौसम जो है पिछले 15-20 दिन महीने से जो है उरूज के ऊपर है, और बिलखसूस तकरीबन परसों से जो है कराची के अंदर नॉन स्टॉप बारिश हो रही है। तो उस हवाले से जो है अपने फार्म के हवाले से जो है अपडेट करनी थी कि बारिशों के अंदर जो है फार्म की रूटीन्स क्या हो जाती हैं, और जो है हम किस तरीके से जो है अपने फार्म को मैनेज कर रहे होते हैं, पानी का निकालना कितना इंपॉर्टेंट है, जानवरों को महफूज रखना पानी से कितना इंपॉर्टेंट है, उनकी खुराक के हवाले से, उनकी बीमारियों के हवाले से। तो इस वीडियो के अंदर जो है थोड़ा सा आप लोगों से हमने सोचा डिस्कस कर लें, तो शुरू करते हैं वीडियो। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जो है थोड़ा सा शेड के हवाले से गाइड कर दूँगी। शेड का मजबूत होना कितना इंपॉर्टेंट होता है फार्मिंग के अंदर, और बिल्कुल जब आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं तो देखें, ये हमारा जो इस वक्त आप सामने देख रहे हैं ये जो है हमारा मेन शेड है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत मजबूत और पायदार शेड है, और शदीद तूफ़ान के अंदर और शदीद बारिशों के अंदर भी अल्लाह के हुक्म से जो है ये बिल्कुल महफूज रहा है। और दूसरी तरफ एक आपने ये वाला शेड देखा पीछे जो मैंने आपको दिखाया, और एक ये शेड है, आप देखें कि ये अभी थोड़ी सी बारिशें कराची के अंदर जो है पड़ी हैं, और इस शेड की आप हालत देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है इस टाइम मुर्दार कंडीशन के अंदर है, और इसके जो मेन बास है ये भी अपना जो है ठिकाना छोड़ रहे हैं, और ये शेड किसी भी टाइम गिर सकता है। तो जब आप शेड देखें, जब आप बना रहे होते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, तो कोशिश करें कि आप जितना मजबूत हो सकता है शेड बनाएं, और थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर के अंदर आप लोग मतलब ऐसा कोई शेड ना बना दें जो बारिशें भी ना सह सके। ये शेड हमारा बेसिकली आर्जी तौर पे हमने बनाया था, और सीज़न के टाइम पे बकरीद 2022 के लिए, तो इस वजह से हमने इसको इतना मजबूत नहीं बनाया था, लेकिन ये उन हजरात के लिए जो कि मतलब शेड बनाते हुए डंडी मारते हैं, तो खुदा रहा ऐसा ना करिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि बारिशें या खुदा ना खासा तेज़ हवाओं के झोंके आए तो ये आपका शेड जो है इस कंडीशन के अंदर आ जाए। तो कोशिश करें कि शेड को मजबूत से मजबूत बनाएं। बाकी है कि मैं थोड़ा सा और दिखा देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर देखें ये जो है पंखा यूज़ होता है, चिक यूज़ होती है। बाकी शेड के हवाले से एक कंप्लीट डिटेल तो हम आपको अलग से वीडियो बना के बता देंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ होता है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर एक प्लास्टिक यूज़ होती है, पंखा यूज़ होता है, चिक यूज़ होती है, तो उसको भी जो है आपने अच्छी क्वांटिटी के अंदर और अच्छी क्वालिटी की लगानी होती है। अदरवाइज़ ये देखें थोड़ी सी बारिशें पड़ी हैं इसके अंदर की, जो है प्लास्टिक भी सारी फट चुकी है, और इसकी जो है चिक पंखा वगैरह भी जो है नामो निशान नहीं रहा थोड़ी सी बारिशों के अंदर, एक महीने की बारिशों के अंदर। जबकि दूसरी तरफ मैंने ये शेड आपको दिखाया है, ये अल्हम्दुलिल्लाह अपने पूरे वजूद के साथ जो है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही सालम खड़ा हुआ है, और ये एक हमारा मजबूत शेड है। अच्छा दोस्तों, शेड से निकालने के बाद जो है हम अपने जानवर को यूजुअली जो है नॉर्मल मौसम के अंदर, ये जगह हमारे पास है जिस यहाँ पे हम जो है छोड़ते हैं, इस जगह को भी हमने जो है बाउंड्री करके पैक किया हुआ ताकि जानवर जो है आगे पीछे जो है गज़ाइत के ऊपर इजाफा मुँह ना मारे, और इस जगह के ऊपर वो खेल कूद भी लेते हैं, और पीछे भी अच्छी खासी जगह है, और उसके अलावा जो है ये मुस्तकिल इस शेड के अंदर रहते हैं। लेकिन बरसात के मौसम के अंदर अब आप जैसे देख सकते हैं कि थोड़ा सा पानी यहाँ पे जो है जमा हुआ है, और इस वजह से जो है हम जब तक कई जगह से बिल्कुल पानी खुश्क ना हो जाए तो हम जानवरों को यहाँ पे नहीं निकालते, उन्हें शेड में ही रखते हैं अंदर। और उसके अलावा यहाँ से पानी निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोशिश करें कि जिस जगह पर आप जानवर छोड़ते हैं उस जगह के ऊपर पानी ज़्यादा टाइम के लिए खड़ा ना हो, या तो भी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी है। और यहाँ पे कल रात को जो है बहुत बेतहाशा और शदीद बारिश हुई है कराची के अंदर जो है, अगर मैं कल रात भी ना कहूँ मैं तो कहूँगा कल पूरा दिन जो है सुबह से बारिश हुई है, और कल रात भी पूरी रात बारिश होती रही है, तो उसके बाद इस जगह का ये माहौल है। अदरवाइज़ ये है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है इसको ऐसे लाइन्स बना के मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पानी यहाँ से इस जगह से हमने निकाल दिया है। देखें ये सामने जैसे कि लाइन चल रही है, ये सामने हम जंतर लगा रहे हैं, पानी को हमने उस तरफ छोड़ दिया है, तो इससे हमें फ़ायदा ये हुआ है कि जो है पानी जो है जिस जगह पे हम बकरे खुले छोड़ते हैं उस जगह के ऊपर पानी बिल्कुल भी नहीं है, और बकरे जो है अभी इंशाल्लाह थोड़ी सी देर के अंदर ये पानी जो है घंटे भर के अंदर जो आप अभी वीडियो में देख रहे हैं ये भी खुश्क हो जाएगा, तो बकरे फिर दोबारा से यहाँ पर आ सकते हैं। तो जब तक इस जगह से पानी खुश्क ना हो तो बकरों को इस जगह पर हम नहीं खोलते हैं, और खोलने भी नहीं चाहिए,
और कोशिश अव्वल यही होनी चाहिए कि उस जगह पर पानी बिल्कुल भी ना खड़ा हो, क्योंकि उससे जो है मच्छरों के पैदा होने का, मक्खियों का और कीड़े मकोड़ों का जो है पैदा होने के चांसेस बहुत होते हैं, जो कि गोट फार्मिंग के अंदर तो बहुत ज़्यादा नुकसानदह होते हैं, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर जान होते हैं। अगर वो मच्छर उनको काट रहे हैं या उनको चीचड़ काट रही है, कीड़े मकोड़े काट रहे हैं, तो उनका खून पीते हैं, और उससे होता ही है कि जानवर अपनी सेहत जो है बहुत तेज़ी से गिराता है। अच्छा दोस्तों, बरसात के अंदर जो है ये फार्मिंग के हवाले से एक सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हो जाता है वो ये है कि कुदरती तौर के ऊपर रूट ग्रास जो है आपके, अगर आपके पास कच्ची ज़मीन है तो जो है अच्छी खासी मकदार के अंदर जो है आप देख सकते हैं। और ये मुर्फी भी ठीक ठाक इस टाइम फुल खेलने के मूड में खेल रहा है। तो ये रूट ग्रास जो है आपकी अच्छी मकदार के अंदर जो है ये उग जाती है। उससे होता यह है कि जैसी बारिशों का सिलसिला थोड़ा सा थमे तो आप अपनी बकरियों वगैरह का जो है, अगर आपके पास लिमिटेड जगह है, जैसे कि हमारे पास है कि एक लिमिटेड बाउंड्री के अंदर हम लोग जो है जानवर को अपने खोलते हैं और कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा बड़ी जगह के ऊपर ना चराएं, और उनकी भी बहुत सारी वजूहत हैं जो इंशाल्लाह आपसे किसी अदर वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। तो उसमें ये हमें फ़ायदा हो जाता है कि अब जैसे कि बारिशों के अंदर, बरसात के अंदर बकरियों के लिए जो है खेलने कूदने के लिए और चरने के लिए अच्छी खासी जगह बन जाती है, और किसी एक टाइम के अंदर घंटा, डेढ़ घंटा, दो घंटा हम जो है बकरियों को इस रोड ग्रास पर भी छोड़ देते हैं वन डे और हरे के अलावा, तो वो ये चर जाती हैं। तो एक ये फ़ायदा भी बरसात का जो है, बरसात के मौसम के अंदर अच्छा खासा जो है फार्मर्स को मिल जाता है, ऐसी ज़मीन वालों को। अच्छा दोस्तों, ये हमारा मेन शेड है, देखें बाहर जो है बारिश हो रही है, इस जगह को हमने जो है अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि अभी ये गर्मियों का मौसम है और जो है कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सर्द मौसम है, लेकिन फिर भी हमने इस जगह को जो है पर्दों से पैक किया हुआ है, सिर्फ इसी वजह से कि बारिश जो है बराए रास्त इनके ऊपर, जानवरों के ऊपर ना आए। आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट फाट हैं और बिल्कुल खुश्क हैं इतनी शदीद बारिश में भी रात भर की। तो इस जगह को हमने पैक किया हुआ, वहाँ एक आप कोने पर देखें कि थोड़ा सा कोने से जो पानी मतलब क्रॉस में जब आता है तो वो थोड़ा सा वहाँ पे आता है, तो वहाँ से फिर जानवर ख़ुद अवॉइड कर लेता है और वहाँ पे बैठता भी नहीं है, वो खुश्की की जगह पे जैसे आप ये देख सकते हैं इन जगहों पे बैठता है, तो इस वजह से महफूज रहता है। अच्छा, इसके अंदर मैं एक और चीज़ बता दूँ कि देखें जानवर तो इसके अंदर महफूज रहा। अच्छा, एक बात मैं आपको इंपॉर्टेंट जो ऐड करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जानवर इस मौसम के अंदर जो है ना खुराक सही से नहीं उठाता है, तो वो मौसम की वजह से ही होता है कि वो जो है अपनी खुराक को जो है छोड़ चुका होता है, सही तरीके से नहीं ले रहा होता। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है और आप लोगों ने जो है जिस तरीके से जानवर खा रहा है वो अपने उस तरीके से ही खिलाना है, और उसके अलावा आपने करना ये है कि गावा वगैरह आप कंटिन्यू रखें और ज़्यादा सख्त गावा बना के भी ना दें बहुत ज़्यादा गर्म, क्योंकि ऑलरेडी मौसम जो है गर्म है। बस इतना रखें कि वो बारिशों की ठंड की वजह से जो है जानवर जो खांसी वगैरह के अंदर आ जाता है या बुखार के अंदर आ जाता है, तो बिलखसूस बच्चे, तो उसमें यह हो जाएगा कि उस गावे से जो है वो उससे महफूज हो जाएगा। अच्छा, तो दोस्तों ये बरसात के इस मौसम के अंदर जो है मैंने सोचा था कि फ़ार्म की थोड़ी सी अपडेट और मैनेजमेंट के हवाले से कि किस तरीके से मैनेज करें आप लोगों को दे दें, तो इस वीडियो को यहीं इख्तिताम करते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों के जहन के अंदर कोई भी सवालात गोट फार्मिंग, कैटल फार्मिंग या किसी भी हवाले से जो है आपके जहन में फार्मिंग के हवाले से जो सवालात हैं वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, और जिन दोस्तों ने अभी तक का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कोशिश करें कि सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें। और इस वीडियो के अंदर आज के लिए इतना ही, इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।